देश में आज टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुम्मा ने कहा कि आज बहुत खुशी का दिन है। उन्होंने कहा, भारत में बनी कोविड वैक्सीन कोरोना के खिलाफ जंग में जीतने में संजीवनी का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी कई खतरनाक बीमारियों के खिलाफ जंग जीती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के अंतिम दौर में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि आज वैक्सीन टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो गई है, जिसमें प्रदेश के कई हिस्सों में इसकी अच्छी शुरुआत हुई है और टीका भी लगाया गया है। पहले तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश ने इस कोविड 19 का सामना किया, इसको काबू में किया, इसको परास्त किया लगभग। अब जो है स्वदेशी वैक्सीन आई है, आज से उसका शुभारंभ हुआ है। इसके लिए सभी आपके चैनल के दर्शकों को, सुनने वालों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मस्तक और ऊंचा करने वाली घटना है कि दुनिया के सबसे अधिक गरीब देश, गरीब लोग जिस देश में हों, झुग्गी झोपड़ी बस्तियां हों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की बहुत बड़ी संख्या हो, वहां कोरोना को काबू में भी रखा और अब जो है निःशुल्क वैक्सीनेशन की व्यवस्था हो रही। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, दोनों धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। और निश्चित रूप से हम इसको, बीमारी को समूल नष्ट करने में सफल होंगे, यही आशा और शुभकामनाएं हैं। देखिए, इस वैक्सीन ने पूरे देश को बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट और वैश्विक महामारी की उत्पन्न होने वाली भविष्य की समस्याओं से मुक्त कराया। इस वैक्सीन को यदि हमें विदेशों से लेना पड़ता तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आर्थिक संकट और बहुत बड़ा ऋण हिंदुस्तान को, भारत सरकार को लेना पड़ता। हम इससे भी मुक्त हुए, इससे देश का स्वाभिमान बढ़ा, आम आदमी को लगा कि हम दुनिया के सभी कार्यों को करने में सक्षम हैं और हमारे वैज्ञानिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक हैं। निश्चित रूप से हमारे देश के वैज्ञानिकों ने और देश के कुशल नेतृत्व ने हमको बहुत बहुत दोनों संकटों से बचाया है।